कायमगंज में एक गांव है कंपिल, जो फर्रुखाबाद से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह गंगा और यमुना नदियों के बीच दोआब में गंगा के मैदान का एक गांव है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने कंपिल की पहचान महाभारत काल के दक्षिण पांचाल की राजधानी के रूप में की। इस स्थल पर मौजूद टीले को राजा ध्रुपद की साइट के समान बताया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने संभावना जताई कि महाभारत के समय की प्राचीन इमारतें कंपिल में मौजूद थी। राजा ध्रुपद के महल की साइट को सबसे प्राचीन और अलग थलग टीले के रूप में बताया गया है, जो लगभग 400 फीट लंबा और 200 से 250 फीट चौड़ा है, जो बूढ़ी गंगा के किनारे 20 और 25 फीट की ऊंचाई पर है। आज यहां पुरानी इमारतों के कोई निशान नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर ऊंची ईंटों से टूटे हुए ऊंचे टीले यहां वहां बिखरे हुए हैं। इसके अलावा तालाबों पर कई पवित्र घाट हैं। कंपिल एक बार फिर पुरातत्वविदों की खोज का विषय बना और इसे चित्रित ग्रेवे PGW और NBPW के साथ साइटों की सूची में उभरा पाया गया। बी लाल द्वारा बनाई गई साइट का आधिकारिक सर्वेक्षण डेक्कन कॉलेज पुणे के वीएन मिश्रा द्वारा 1961 में किया गया था। उन्होंने वर्तमान गांव की पहचान कंपिल के रूप में की। वर्ष 1976 में BHU से KK सिंह ने PGW को प्रतिबंधित करने वाले क्षेत्र को परिभाषित करने के उद्देश्य से कंपिल में खुदाई की। उत्खनन से पता चला कि PGW 22.40 मीटर मोटी परत के जमाव ने प्राकृतिक मिट्टी पर बारीक ग्रे वेयर व ब्लैक स्लिप वेयर BSW और ब्लैक एंड रेड वेयर BRW की मोटी परत बिछा दी है। ऊपरी परत मध्यकालीन परत पाई गई। सबसे पहले ASI अलेक्जेंडर कनिंघम के पहले महानिदेशक DG के आदेश पर 1878 में सर्वेक्षण किया गया। अन्वेषण कार्य के बाद एक और ASI महानिदेशक BB लाल थे, जिन्होंने 1954 में साइट से पेंट ग्रे वेयर और नॉर्डन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर खोजने की सूचना दी। वीएन डेक्कन कॉलेज पुणे के मिश्रा ने 1960 के दशक में साइट की खोज की और चित्रित ग्रे वेयर की बड़ी गुणवत्ता की सूचना दी। प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के KK सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1976 में टीले के अलग अलग हिस्सों में 6 खायों की खुदाई कराई थी और प्राकृतिक मिट्टी के ऊपर पेंटेड ग्रेवियर के 2.4 मीटर मोटी जमाव पाए थे। ASI ने प्राचीन स्थल में रुचि खो दी, तभी दिल्ली की एक सामाजिक उद्यमी मिश्रा ने 2003 में द्रौपदी ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट ने केंद्र सरकार और उसकी सहयोगी एजेंसियों के दरवाजे पर दस्तक दी। मिश्रा कहती हैं कि उन्होंने बार बार ASI से साइटों की सुरक्षा करने के लिए कहा, लेकिन अब तक कुछ काम नहीं हुआ। मिश्रा ने हालांकि हार नहीं मानी। ASI की स्वीकृति से द्रौपदी ट्रस्ट को 2012 में IIT कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जांच करने की स्वीकृति मिली। IIT की रिपोर्ट में विशिष्ट संरचनाओं, एक पत्थर की पक्की सड़क, रैखिक जलमार्ग और निर्जन दीवार संरचनाओं की उपस्थिति का संकेत दिया गया है। ASI की अनुमति से ट्रस्ट को लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग के माध्यम से 2010 व 12 में उत्खनन को परिभाषित करने की स्वीकृति मिली। प्रोफेसर DP तिवारी कहते हैं कि उनकी टीम कंपिल के लिए कालक्रम स्थापित करने में कामयाब रही। हमने क्षेत्र में 30 खायां खोदी और अंत में टीले के नीचे 5 अलग अलग सांस्कृतिक काल की पुरातात्विक सामग्री पाई गई। यहाँ पहले से चित्रित ग्रेवेयर के साथ चित्रित ग्रे संस्कृति से मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले, जो उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, कुशान और गुप्त काल और मध्ययुगीन काल के थे। दिलचस्प बात यह है कि वहाँ भी गेरू रंग का बर्तन था, संभवतः 370 BC में वापस प्रचलन में आ गया था। जबकि द्रौपदी कुंड पुरातात्विक महत्व के साथ एक स्मारक है, जिसे टीला द्रुपद के नाम से जाना जाता है। किला वह जगह है जहाँ संभावित पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब प्रश्न है कि जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वे महाभारत कालीन ही है, तो क्या इससे कंपिल महाभारत कालीन शहर स्थापित हो गया? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नियुक्त निदेशक प्रोफेसर वायसराव ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका उद्देश्य कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच लड़े गए महाभारत युद्ध की तिथि का पता लगाना है। जब तक महाभारत काल का कोई पक्का सबूत हाथ न लगे, तब तक हमें खोखली बातें करने से बचना चाहिए। सबसे पहले हमें बिना किसी भेदभाव के अपनी धरोहरों की हिफाजत करनी पड़ेगी। कंपिल व कन्नौज में जो इतिहास दबा पड़ा है, उसकी पुरातात्विक खुदाई तुरंत शुरू करनी चाहिए। अपने लोकल इतिहास की अवहेलना कर हम गौरवान्वित नहीं हो सकते, साथ ही बिना लोकल इतिहास जाने देश का इतिहास अपने में पूर्ण नहीं हो सकता। अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करना न भूले, सब्सक्राइब कर दें व साथ में लगी घंटी अवश्य दबाएं।